ओके okay, अच्छा अभी लास्ट पार्ट में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हमने ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करना सीख दिए हमने ये कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी कैलकुलेट कर लिया था इंडिविजुअल और हमने अब हमने फाइंड करना है कोवल बॉन्ड प्रेजेंट ओके हमने अब क्या फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइन uh, कर दिए ठीक है अब हमने फाइंड करना है अच्छा हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स अभी फाइंड करने और हमने साथ साथ कोवल कंपाउंड भी फाइंड uh, करना है covalent, uh, इसके ने के, uh, कितने कोवोलियन बॉन्ड्स है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अब आप बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे हाइड्रोजन के ऐड कर दो ऑक्सीजन के अंदर हमें पता है हाइड्रोजन के कितने ऑक्सीजन के कितने थे हमारे पास थ्री पॉइंट ऑक्सीजन uh, के क्या है हमारे पास तो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने थ्री पॉइंट थ्री वन ओके और हमारे पास वाटर के कितने तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया ये देखो ये वाटर क्या होगा और सॉरी वाटर एच प्लस आइन के, के होगा ये दो एच प्लस आइन के होगा ये ऑक्सीजन के आइटम होगा ये दो प्लस एच प्लस आइन के होगा? तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ गए आइटम्स आ गए अब हमारे पास वो कह रहे हैं अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहे हैं बहुत आसान है जैसे ऊपर कैलकुलेट किया था वो कह रहे हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस एंड ऑफ इंडिविजुअल सिंपल चीज है हमारे पास आप किस तरह कैलकुलेट करोगे पहले सब पहले सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर अब मुझे पास मोल्स तो नहीं है तो मैं पहले मोल्स कैलकुलेट करूंगा मोल्स कैसे फाइंड करूंगा मुझे पास जो गिवन मास है गिवन मास कितना है मेरे पास टेन तो मैं पुट कर दूंगा टेन सिंपल और मेरे पास मोलर मास कितना है फास्फोरिक एसिड का वो कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया होगा देखा हमारे पास फास्फोरिक एसिड का मास कितना है नाइन्टी एट ग्राम्स आ रहा है ठीक है थ्री हाइड्रोजन का हो गया थर्टी वन मेरे पास फास्फोरस का हो गया और फोर इंटू सिक्सटीन करके हमने किसका फाइन कर दिया ऑक्सीजन का तो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड का कितना मास आ रहा है हमारे पास नाइन्टी uh, एट तो सिंपल नाइन्टी एट से डिवाइड करा दो और मल्टीप्लाई करा दो आप किससे सिक्स पॉइंट जीरो टू एक्सप्रन की पावर ट्वेंटी थ्री से तो आप जब इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे इस तरीके से तो आपके पास आंसर आ जाएगा और हम आंसर देख लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मालिकूल्स कितना आएंगे मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर इस टाइम पर, पर, पर मौजूद नहीं है तो मेरे पास आंसर आ गया जीरो पॉइंट सिक्स वन फोर एक्सप्रन की पावर ट्वेंटी थ्री या आप इसको आगे शिफ्ट कर दोगे तो हमारे पास होगा सिक्स वन पॉइंट वन फोर एक्सप्रन की पावर ट्वेंटी थ्री

माइनस टू सॉरी माइनस थ्री होती है हम ठीक है हमारे पास क्या होती है माइनस होती है अब हमें पता है हमने क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या करना है हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस तो हमें पता है कि पॉजिटिव आइंस हमारे पास कितने हैं अगर हमने पॉजिटिव आइंस फाइंड करना तो बैलेंस इक्वेशन से फाइंड करेंगे मुझे पता है एक, एक, एक हाँ, तो वन मोल कितने दे रहा है लाइक हमें पता है सॉरी लाइक like अब हमारे पास हमें पता है नंबर ऑफ हमने हाइड्रोजन के फाइन करने, है. Hydrogen, के करने है. तो कितने हाइड्रोजन आइन्स है थ्री तो मैं नंबर ऑफ किस से किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा थ्री से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे की पावर ट्वेंटी तो यही देखे हमने ये किया हमने मल्टीप्लाई करा दिया थ्री से मेरे पास कितने निकल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्री हाइड्रोजन आइन के अब हमने फाइन करना है अब देखो कितना है एक है ना हमारे पास तो हमारे पास आप किस से मल्टीप्लाई करा दोगे वन से मल्टीप्लाई करा दोगे किसको को सिक्स पॉइंट की पावर ट्वेंटी फोर से तो मेरे पे आंसर क्या आ जाएगा सिक्स पॉइंट वन फोर एक्सपोन की पावर ट्वेंटी कितने वन तो वन को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा सॉरी किस सेन फोर एक्सपोन की पावर ट्वेंटी टू से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सिंपल मेरे पास क्या आ गए हमने पार्ट बी भी कर लिया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस एज वेल एज नेगेटिव आइन आफ्टर डिसोसिएशन द बॉड अब करना है मास ऑफ इंडिविजुअल आइन बहुत आसान है बच्चों को बहुत अजीब सा लग रहा है कि ये कैसे है तो हम देख लेते हैं बहुत आसान है हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्म नंबर ऑफ एच प्लस आइन सॉरी नंबर ऑफ एच प्लस आइन का फार्मूला क्या है हमें पता है नंबर ऑफ एच प्लस आइन इक्वल्स टू मोल्स इन टू नंबर अगर मैं मोल्स को सिंप्लीफाई करके लिख दूँ मेरे पास मोल्स नहीं है अगर मैं मोल्स के बजाय क्या लिख दूँ गिवन मास अपॉन मोलर मास इसमें बुराई है नहीं मुझे क्या है गिवन मास ठीक है तो मैं क्या करूँगा इसको इधर ले जाऊँगा मल्टीप्लाई करा दूंगा और एवेगैड्रो नंबर को डिवाइड करा दूंगा तो यही देखें इन्होंने भी हमारे पास क्या किया एवेगेट्रो नंबर को डिवाइड कराया हुआ है ठीक uh, है नंबर ऑफ मॉलिक एच प्लस आइन को मल्टीप्लाई कराया हुआ किससे मोलर मास से तो अगर मैं सिंप्लीफाई करके इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास क्या बनेगी गिवन मास इक्वल्स नंबर ऑफ एच प्लस आइन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवर तो सिंपल इन्होंने भी यही किया हमें पता है कि एच प्लस आइन का मास कितना होता है कितने थे तो ये लिखा हुआ थ्री और हमें पता है एन ए का नंबर कितना है सिक्स पॉइंट जीरो टू कैलकुलेटर में डालोगे तो हमारे पास मास आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री जीरो एट फाइव इसी तरीके से हमने नंबर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट आइन निकाला है फॉस्फेट एट आइन निकालना है सॉरी आई एम लाइक फर्स्ट फोरस कह रहा हूँ तो मुझे पता है कितने की पावर 22. मुझे पता है अब अच्छा जो का है टोटल मास था नाइन्टी एट अब आप इस नाइनटी एट में से थ्री माइनस करोगे क्योंकि हमारे पास क्या है पीओ फोर खाली इंक्लूड है ना फॉस्फेट एट आइन तो फॉस्फेट एट आइन में से आप थ्री माइनस कर दोगे तो आपके आंसर आ जाएगा फॉस्फोरिक uh, एसिड में से आप थ्री हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो आपके पास क्या बच रहा है फॉस्फेट माइनस इसका आप मोला मास निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फॉस्फोरस का आपके पता है थर्टी वन प्लस फोर इंटू सिक्सटीन तो आपके पास आंसर आ जाएगा नाइन्टी uh, फाइव तो यही इन्होंने अभी तक देखो फार्मूला में क्या किया ऊपर किसका मास ओके uh, okay. अभी तक देखो ऊपर <coughs> हम क्या पुट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पुट कर दिया फॉस्फेट फॉस्फेट आइन का कितना है नाइन्टी फाइव

आपको पता है थ्री पॉजिटिव आइंस आ रहे हैं तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए थे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहा सिक्स पॉइंट वन फोर एक्सप्रोन की पावर ट्वेंटी टू तो आप इसको थ्री से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके पास कितना आ गया पॉजिटिव आइंस आ गए तो आपने पॉजिटिव आइंस कैलकुलेट कर लिया कितना थ्री पॉइंट वन पॉइंट एट फोर एक्सप्रोन की पावर ट्वेंटी थी हमने क्या कहा कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सिंपल जितने पॉजिटिव आए थे उनसे मल्टीप्लाई करा दो और हमें पता है आटम uh, जितने पॉजिटिव आइंस होते हैं उतने ही नेगेटिव आइंस होते हैं तो आप यही लिख दोगे नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर ऑलवेज इक्वल सो द नंबर ऑफ नेगेटिव डिस्पर्स इन अ सॉल्यूशन इज 1.84 एक्सपोनेंट की पावर 23 सिंपल दैट इज तो हमारे पास यहां पे कांसेप्ट पूरा होता है मोल का तो अब हमारे पास एक और कांसेप्ट आता होता है जो कि यह होता है कि वो ही कहता है कि 1 मोल अब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बनाते होते हैं कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.0 6. की पावर ट्वेंटी थ्री अब वही कहता है कि हमारे पास इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डी एम क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ओके ये हमारे पास किसके लिए होता है ट्वेंटी टेम्परेचर प्रेशर के अंदर तो आप ये देखो टू ग्राम ऑफ एच टू मीनस वन मोज ऑफ़ हाइड्रोजन आए हाइड्रोजन गैस और इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इसका मतलब है कि इतना उसके पास वॉल्यूम है अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको वन ग्राम कर देता हूँ हाइड्रोजन तो ये मोज कितने हो जाएंगे पॉइंट फाइव हो जाएंगे आप उसको हाफ कर दोगे मॉलिक्यूल्स okay? कितने हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे और नंबर ऑफ़ वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो भी हाफ हो जाएगा तो अब हम देख लेते हैं किस तरीके से होता है अवेल नन वो आइडियल गैसेज इंक्लूड है वॉल्यूम फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ओके हमें सॉरी हमें पता है तो मोलर मास को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा गिवन मास अपॉन मोल्स अच्छा भाई अब आपको पहले मोल्स पता होने चाहिए तो आप मोल्स कैसे फाइंड करोगे आपको तो रिलेशन ही नहीं पता तो बहुत आसान तरीका होता है हमें पता है जैसे हमने एक नया रिलेशन पढ़ा हमने कहा कि वन मोल इक्वल टू कितना डीएम क्यू अच्छा भाई आप उन्होंने हमारे पास क्या दे दिया वॉल्यूम दे दिया लेकिन हमारे पास मोल्स नहीं दिया तो आप वॉल्यूम के जरिए से मोल्स निकाल सकते हो तो हमें बताया कि फाइव हंड्रेड सी एम इन क्यूब इन्होंने हमें वॉल्यूम दिया तो हम फाइव हंड्रेड सी क्यूब को कैसे कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय ओके अच्छा तो